सच साहस सरोकार। लखनऊ में माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली पर कार्यक्रम, मेले में हैंडीक्राफ्ट सामान को मिल रहा है बढ़ावा। सुल्तानपुर में गोमती नदी में मिला अज्ञात युवती का शव, लोगों ने पुलिस को दी सूचना। लखनऊ में मिलावटी खोए से भरा ट्रक जब्त, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। औरैया में नेताजी की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन, सपा के सभी कार्यालयों पर हुआ हवन। सीतापुर में उप जिलाधिकारी पर लगा मारपीट का आरोप, पुलिस ने जांच का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली पर डाली बाग गांधी भवन में 7 दिवसीय माटी और 2 दिवसीय माटी कला कार्यशैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह अक्टूबर मेला 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं इस कार्यशाला में जिलों के शिल्पकार और कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन 75 स्टॉल लगाकर कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस मेले में हैंडीक्राफ्ट सामान भी आया है, जिसके चलते सीएम योगी इस मेले पर खास ध्यान दे रहे हैं। मेले में माटी और गोबर से तैयार हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इस खास कार्यक्रम में हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने फरुखाबाद विधायक डॉक्टर सुरभि से खास बातचीत और साथ ही कार्यक्रम में जाकर वहां का जायजा लिया और वहां के कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माटी कला बोर्ड की ओर से आयोजित दीपावली के शुभ अवसर पे डालीबाग के खादी भवन में आयोजित 7 दिवसीय माटी कला मेला तथा 2 दिवसीय माटी कला कार्यशाला यहाँ पे आयोजित किया है। बता दें कि यह मेला 17 से लेकर 23 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही इस मेले में प्रदेश के सभी जिलों के कारीगर और शिल्पकारों ने अपनी कला को प्रदर्शनी के लिए 75 यहाँ पे स्टॉल लगाए गए। सारे स्टॉल जितने भी है ये बोर्ड की ओर से निःशुल्क यहाँ पे आवंटित किया गया है। और आपको साथ ही आपको बता दें कि इस मेले पे सुबह के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो विशेष कर ध्यान दे रहे हैं कि जो चाइना, जो हमारे दिवाली के अवसर पे जो बाजारों में जो खासकर जो चाइनीज बनाए हुए जो दिए और जो मूर्तियां लक्ष्मी गणेश जी को जो मिल रही है, उसको पूरी तरह से हटाने के लिए गोबर से बने दिए और मिट्टी से बने दीपावली के जो लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्तियाँ होती है यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ का जो विशेष मेले का जो विशेष रूप से जो बात है, यहाँ पे जो भी वस्तुएं बनाई गई है वो हैंडीक्राफ्ट है। इसमें कोई भी मशीन की उपयोग करके यहाँ पे जो वस्तुएं नहीं बनाया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो कारीगर और जो शिल्पकार हैं कि वो किस प्रकार से बनाए हैं और कैसे वो अपनी चीज़ों को कितने मेहनत से बनाते हैं और कितने सालों में तैयार करते हैं, उन्हीं के जुबान सुनते हैं। आइए बात करते हैं सर, अपनी ये जो वस्तुएं बनाए हैं जो मिट्टी के जो बना रहे हैं, तो सर कितने दिनों से बनाने लगते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं? और सर आप कहाँ से ये स्टॉल आए हैं, किस कहाँ कौन से प्रदेश से आके सर यहाँ पे स्टॉल लगे? कानपुर से हैं, हमारे ब्रांड का नाम सर्वोसार्थ है और हम लोग इसका पूरा, हमारे पास चम्मच से लेके फ्रिज तक मिट्टी का है। कुकर, कढ़ाई, तवा, हांडी, सारे किचन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मिट्टी के हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध। मूर्ति जो लक्ष्मी गणेश जी के मार्केट में मिले उसको हटा के गोबर की जो मूर्तियाँ जो बनाई जा रही है, तो उनसे पूछते हैं सर ये आप जो मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई हैं, कहा जा रहा है कि गोबर की मूर्ति बनाई गई है, तो इसको लेकर आप क्या करें सर, किस प्रकार से कैसे आपके दिमाग में आया कि हम गोबर की मूर्तियाँ बनाएं, ये जो चाइनीज मूर्तियाँ हैं उसको बाजार से, कुछ इसके बारे में बताइए। सर मैम, हमारे पास जो भी मूर्तियां हैं वो मिट्टी की हैं और हमारी अपनी बनाई हुई ये मूर्तियां हैं लक्ष्मी गणेश की हैं और मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। यहाँ काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, लोग बाहर बाहर से मतलब, और अच्छे रेट में, सही रेट में हम लोगों को बिक भी दी हैं। तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा हम लोगों का भी त्यौहार अच्छा हुआ जा रहा है, इस बात की खुशी है हमको। तो आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना और किस प्रकार से यहाँ जो मिट्टी के सामान बनाए हैं।
सर, आप ये मिट्टी के सामान कब से बनाना शुरू किए और कितने टाइम लगता है? ये मिट्टी का काम हम बचपन से बना रहे हैं, हमारे पुश्तैनी काम है ये, और इसको बनाने में जैसा जो सामान होता है वैसा समय लगता है, हमारा फिनिशिंग का है, ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। तो सर आप कह रहे हैं कि बचपन से आप बनाते हैं, तो बचपन से लेकर अभी तक सर क्या अंतर आपको देखने को मिले? इस पर सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो चाइनीज चीज़ हटा के मिट्टी वाले सामान अब ला रही हैं, तो बहुत प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो सरकार इस पर अब क्या हेल्प की है? सरकार तो हमारे लिए बहुत हेल्प कर रही है, और मिट्टी में हम लोग सुधार और ज़्यादा ला रहे हैं कि मिट्टी को इतनी बढ़िया से बना रहे हैं। हमारे मिट्टी में कोई केमिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ मिट्टी का बनाते हैं, कि मिट्टी का चीज़ें बनाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दिवाली के लिए मैम सजावट के लिए जो गणपति बाबा जो लगा रखा जाता है, ये किस प्रकार से दिए सजावट की मूर्तियाँ, तो मैम इसके बारे में कुछ बताइए, किस प्रकार से अपनी मिट्टी से बनाई हैं जो ये घर के दीवार पर लगाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए कैसे बनाते हैं? मैम ये कटिंग करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद उसको डेकोरेट करते हैं, उस पर मिट्टी का बना के उसको बैठाते हैं, फिर इसको एक एक फिनिशिंग करके और फिर यहाँ तक लाते हैं। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम आप दिए जो आई हैं मिट्टी के खरीदने के लिए, पहले तो चाइनीज दिए आप लोग भी यूज़ बहुत हम लोग भी किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कैसा लगा? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं विधायक कायमगंज हूँ, डॉक्टर सुरभि, और जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रही है, उसी के तहत इस माटी कला मेला में मैं आई हूँ, और यहाँ पे जो भी सामान है हमारे खुद के कारीगरों ने बनाया है, और ये एक पहली बार मधुमक्खी की जो वैक्स होती है उससे बना हुआ ये मोम है, और मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में अभी तक लोगों को जागरूकता नहीं थी। और आपका क्या नाम है बेटा? शुभ्रा के स्टॉल पे हम लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि इसको मैं लेकर जाऊंगी और बाकी लोगों को भी बताऊंगी कि वो आके यहाँ से खरीदें। किचन की भी सारी चीज़ें मिट्टी की बनाई गई है, आपके घर की सजावटें जो हम लोग करते हैं वो भी मिट्टी की बना रही है, तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले के ज़माने में अगर आप हमारी दादी और नानी के ज़माने में जाएंगे तो पानी भी हम मटके से सुराही से पीते थे और खाना भी हांडी में बनता था, तो अब उसी के तहत अब मैंने देखा वहाँ पे सबसे पहला जो काउंटर था जिसपे एक इडली बनाने वाला स्टैंड भी मिट्टी का था, एक कुकर भी मिट्टी का था, तवा भी मिट्टी का था, तो उससे भी मैंने कुछ सामान लिया है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हम जनप्रतिनिधि अगर इस चीज़ को और प्रमोट करेंगे तो हमारे जो कारीगर हैं वो स्वयं में आत्मनिर्भर होंगे, इसी के तहत हमारा यहाँ पे आना हुआ है। सर आप क्या क्या यहाँ से खरीदारी की? कितना? अभी तो मैं जस्ट आया हूँ और देखने बस देखने जा रहा, तब तक ये लोग मिल गए और देखता हूँ गणेश लक्ष्मी वगैरह और जो मिट्टी का सामान वगैरह है उसको भी मैं देखता हूँ, ले जाना चाहता हूँ। सर आप कुछ बताइए। हाँ मैं भी राजीपुरम से हूँ, और सबसे अच्छी बात है सामान बहुत सस्ता है, डिपार्टमेंट ने जो भी ये लगाया है महंगा नहीं है, और जो है जैसे बताया कि यहाँ पे तवा वगैरह मिल रहा है और हम लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, और अब जो ये डोंगे वगैरह भी आ गए हैं ये सब बड़े अट्रैक्टिव हैं। तो इस पे योगी जी भी ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की चीज़ें यूज करें, और यहाँ पे मेले भी लगाए हैं, तो आपको कैसा लगा सर? नहीं ये बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली उन्होंने दिवाली के पहले लगाया है, ये एक बहुत बड़ा टाइम अच्छा है, और ये दिए और मूर्तियाँ मिलती थी और 23 तक ये लगा है, तो ये सीधा मैसेज है योगी जी का कि ये दिवाली के पहले हफ्ते में आप शॉपिंग करिए और दिवाली मनाइए। तो आपने देखा यहाँ के जो तमाम जो शिल्पकार और कारीगर हैं अपनी सभी कलाओं को कितनी बारीकियों से प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनका कहना है कि बहुत से लोग यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, और अब लोगों का मिट्टी की ओर आकर्षित हो रहा है, और वो योगी यहाँ के जो सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी धन्यवाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो रोजगार है वो उनके तरफ से बढ़ रहा है, वो हमारे यहाँ के प्रचार करवा रहे हैं, इसकी वजह से लोग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं, और यहाँ तमाम जो घर की जो सजावट की चीज़ें हो गई, किचन की चीज़ें हो गई, चाहे वो कहीं अब दीपावली
जो आप दिए करते हैं, दिए या मूर्तियां, सभी चीज़ें जो हाथ से बनाई गई है, खास करके मिट्टी की चीज़ें बनाई गई है। यहाँ एक देखने की और भी चीज़ें मिली कि जो मधुमक्खी की छत्ते होती है उससे यहाँ पे जो कैंडल बनाया गया है, दिए बनाए गए हैं, और वो भी जो लोग हैं देखकर बहुत ही वो आश्चर्य हो रहे हैं कि जो मधुमक्खी के छत्ते से जो दिए बनाए गए हैं उसको लोग ज़्यादातर आकर्षित हो रहे हैं। और देख यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी जो काम कर रहे हैं बहुत ही इस पर जो ध्यान दिए बहुत ही अच्छा किए हैं, और यहाँ के सभी शिल्पकार और जो कारीगर हैं बहुत ही खुश से कह रहे हैं कि हमारा रोजगार इससे रोज प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर औरैया से, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के सभी सपा कार्यालयों पर नेताजी की आत्मा की शांति के लिए कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। सपा कार्यरत प्रदीप यादव ने बताया कि सभी विधायक और पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही काम करेंगे। शांति हवन करेंगे जिसमें पूरे जनपद के सभी नेता कार्यकर्ता उपस्थित हैं, और सारे लोग उस हवन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे और सारे लोग मिलकर एक शोक सभा करेंगे। कि अब माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे हैं तो पार्टी का नेतृत्व किस तरीके से चलेगा और आगे आने वाले भविष्य में क्या नीति अपनाई जाएगी? नेताजी की नीतियों को, उनके विचारों पर, उनके आदर्श पर हम लोग चलने का काम करेंगे, और नेताजी का अंश अब हम लोग अखिलेश जी में देख रहे हैं। अखिलेश जी के बताए हुए रास्ते पे अब हम लोग आगे सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उस पर चलने का काम करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने छापेमारी करते हुए 10 क्विंटल मिलावटी खोए से भरी वाहन को गिरफ्तार किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जानकारी भी दी है। गोंडा में बाइक की चोरी कई घटनाओं का खुलासा किया है। आपको बता दें कि बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 बाइक के पुर्जे बरामद हुए। वहीं इस पूरी घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोंडा कोतवाली नगर क्षेत्र में वाहन चोरी, खास करके मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में प्रभारी अधीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। श्रीमान एडीजी गोरखपुर महोदय के द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत कुछ कैमरे लगाए गए थे, उन कैमरों की मदद ली गई, और इसी क्रम में एक वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ। इसमें एक नाबालिग लड़का एक मोटरसाइकिल को ले जाते हुए देखा गया, तो उसके बाद फिर उसकी ट्रैकिंग की गई और उसकी जानकारी मिली और लड़के को पुलिस ने कब्जे में लिया। इन दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गोंडा में पुलिस ने स्मृति दिवस मनाया। आपको बता दें कि शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं डीआईजी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद राष्ट्र सेवा का निर्वहन करते हुए शहीद वीर जवानों को नमन किया गया। खबर औरैया से, जहां स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने चालक समेत उसके ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई है। किस स्कूल में? कितने बजे निकली थी घर से? वही निकली थी 8:15 पे। कब ये घटना घटी? 8:30 बजे। कहाँ पे? यहाँ ग्राम भिजवाड़ा में। कहाँ, घर से स्कूल के लिए जा रहे थे? जी, थाना बिदुना क्षेत्र अंतर्गत रूरूगंज के निकट बिजौड़ा पुलिया पर एक 14 वर्षीय स्कूल जाती हुई छात्रा का एक डंपर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। छात्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना बिदुना की पुलिस वहाँ पहुँची और उन्होंने सबको कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, और ड्राइवर और जो डंपर गाड़ी थी दोनों पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
अमेठी से है, जहां सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा विधायक समेत कई नेता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। खबर कुशीनगर से है, जहां पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि दबंग के मनमानी के चलते सीएम योगी को लिखित पत्र देकर मामले में अवगत कराया। पीड़ित महिला ने बताया कि मौलाना यूनुस खान और उसके सहयोगी घर में आकर तोड़फोड़ करते हैं, साथ ही परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है। पालिका में काम करता है वो, तो भाई के बेटर में खुद ही परेशान थे, लेकिन यहाँ पे जब उनको देखा कि नगर पालिका में काम करता है तो उनको चोरी के इल्जाम में लगा करके लगा सड़क पे बीच शहर में दिन दहाड़े लगा अपने गुंडों और बदमाशों से मार नंगे करा के उनके बदन से कपड़ा खींच लिया। सुल्तानपुर में एक अज्ञात युवती का शव गोमती नदी में बहते देखा गया, जिसकी पहचान कर ली गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और ये बाजार में मैंने देखा इसको, काका जगन्नाथ की चाय की दुकान पर। क्या? उसके बाद ये पैदल जा रहे थे। क्या? फिर बाजार में फिर एक देखे मैं महादेवी स्कूल के पास मालदेव पर, फिर सुरेश नगर से मैं लौटा तो वहाँ बैठी थी। मैं ये सोचा कि ये माइके अपने जा रहे, किसी को बाइक बुलवाई है और वहाँ ये जाएगी, इसलिए पूछने का कोई सवाल ही ना, परिवार में कोई लड़ाई और झगड़ा ऐसी कोई प्रकार की बात नहीं थी कि मुझको। आपके परिवार में क्या लगती थी? लतवाह लगी। कैसे? 19 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे घर से निकली थी। उसके बाद हम ड्यूटी पे थे, हमारे भाई भी ड्यूटी पे थे, तो हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी। घर से सूचना गई तो लगभग 4 बजे मैं अपनी बेटी को स्कूल से रिसीव किया। जब घर आया तो पता चला कि लक्ष्मी की मम्मी यानी मेरी भाभी घर पे नहीं है। हम और गांव के समस्त वहाँ जो है खोजबीन की रिश्तेदारी। खबर फरुखाबाद से है, जहां जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर हीरालाल प्रजापति के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जनपद के 3 मिष्ठान केंद्रों पर छापेमारी कर 51 लाख रुपए का माल सीज कर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। कमिश्नर ने बताया कि दुकानों पर छापेमारी कर अघोषित सामग्री व अभिलेख न उपलब्ध करा पाने पर मॉल को सीज किया गया। साथ ही कहा कि दुकानदार जुर्माने की धनराशि जमा कर माल वापस ले सकते हैं। दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र कुछ संवेदनशील वस्तुएं चिन्हित की गई हैं, जिसमें आपका ये मिठाई है, उसके साथ पटाखे हैं और गारमेंट्स हैं इत्यादि को अभियान चला करके इसमें हो त्यौहारों के अवसर पर होने वाले करापहुँचन को रोकने के उद्देश्य से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में आज फरुखाबाद में 3 मिठाई के साफ पे कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में सिंधौली उपजिलाधिकारी कार्यालय पर देर शाम हंगामा हुआ। उपजिलाधिकारी पर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ उच्च अधिकारियों से जांच कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि अधिकारी के साथ कोटेदार ने आपूर्ति निरीक्षक की अनुपस्थिति में कार्यालय की लाइट बुझाकर कोटे के चयन के आदेश की फोटो खींच रहा था। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अपने घर पे थे, हमारे पूरनपुर का चयन हुआ था नया, जी जी, तो नया कोटेदार हमारे साथ पढ़ा हुआ था जी। उन्होंने कहा कि यार राम सारे हमारे खातिर चले चलो, मैडम से कह दो और जो है आप आते जाते रहते हैं, पुराने हैं, आज हमारे लिए टाइम निकाल लो पूरा दिन का, जो है हमारा कागज बनवा दो, क्योंकि हम कई दिन से परेशान हैं, जिस कारण कि साइन नहीं हो पा रहे हैं एसडीएम साहब के या उनके। ठीक, तो हम आए ऑफिस सुबह, हम आ गए थे 9 बजे, फिर मैडम आई 9:30-10 बजे। मैडम आकर मैडम ने कहा कि आ गए हम, कहें हाँ, कहें ठीक है बैठिए, भीड़ थोड़ा निपटा ले, फिर तुम्हारा काम देखते हैं। वो तो बंद 5 बजे रोज हो जाता है, तो सर ये 6:30-7 की घटना है। अब मैडम कहीं गई हुई थी, सप्लाई इंस्पेक्टर कहीं गई थी, उनका बैग यहाँ पड़ा हुआ था, वो लेने आए थे, पीछे पीछे ये दोनों तीनों कोटेदार भी उनके साथ गए थे अपना जो भी बातचीत। अब उसकी सत्यता तो अभी पुष्ट नहीं हुई है, संज्ञान में मेरे है, ये अधिकारियों के संज्ञान में है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।